हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। 7 सितंबर को आयोजित होगा निश्चय संवाद कार्यक्रम, जागरूकता को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक। अररिया में अपने वेतन मांगों को लेकर एएनएम कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन, सिविल सर्जन कार्यालय के सामने प्रदर्शन। हिंसा में किसानों के साथ दगाबाजी कर रहा है बिस्कोमान, किसान के बदले कारोबारी को बेचा जा रहा है खाद्य। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 7 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम निश्चय संवाद वर्चुअल लाइव को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाढ़ में जिला संगठन के पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड के अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने निश्चय संवाद कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव और टीवी के माध्यम से गांव-गांव में इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। करने के लिए घूम रहे हैं, वैसे जालसाजों से, वैसे धोखेबाजों से बचने के लिए निश्चय संवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी 7 सितंबर को पूरे बिहार के लोगों के बीच में अपनी बात को रखने जा रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर जिला संगठन पूर्वी पटना जिला शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रखंड के सारे सम्मानित जो अध्यक्ष हमारे हैं उनके बीच में रखा गया है। अपने वेतन मांग को लेकर एएनएम कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। एएनएम कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री और सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। एएनएम कर्मियों ने कहा कि कोरोना में घर छोड़कर ईमानदारी पूर्वक उन लोगों ने काम किया है, लेकिन पिछले 6 महीने से वेतन उन्हें नहीं मिला है। और टोटल दिए गए हैं, एक हफ्ता का हमने समय दिया था सर, एक यूनियन से कि एक हफ्ता के अंदर कर दीजिए। हमारी दूर दूर से बहने आकर के इस कोरोना के विश्वव्यापी कोरोना महामारी में रात दिन एक करके काम करती रही, ये अपने परिवार बाल बच्चे को संभालती हुई रात दिन मेहनत करती है, लेकिन दूर दूर से आके भूखे पेट कब तक काम करेगी। कोरोना जैसी महामारी में हमारी एनएम लोग दिन रात एक करके पीएचसी से लेके एचएससी लेकर के स्टेशन तक हमारी एनएम एकजुट होकर के दिन रात होकर के हम लोग काम किए हैं। 7 महीना से हम लोगों को ये भ्रष्ट सरकार हम लोगों को वेतन नहीं दे रही है। किसानों की सेवा के लिए कंगरसराय प्रखंड मुख्यालय में संचालित बिस्कोमान का सेवा केंद्र किसानों के साथ दगाबाजी कर रहा है। गोदाम की दीवार पर लिखे गए वाक्यों के ठीक विपरीत बिस्कोमान कर्मी निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर खाद्य बेच रहे हैं, वही कारोबारी के यहाँ ठेली से खाद्य भेजा जा रहा है। किसानों का कहना है कि साल में एक बार खाद्य का कारोबार करने वाले बिस्कोमान की यह हरकत पुरानी है। शिकायत करने पर भी अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय इधर उधर टहलाते रहते हैं। 270 रुपए है, कहाँ से लाए हैं खाद? बिस्कोमान से। बिस्कोमान से महीना में कितनी बार बांटता है? साल में एक बार मिलता है। साल में एक बार मिलता है, इस बार कैसे बुढ़ा दिया है? 270 का। राजधानी पटना में विंग हेल्पर के माध्यम से इनर वेल क्लब और पटना सौम्या के द्वारा कुछ महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को इनर वेल क्लब ऑफ पटना सौम्या के प्रेसिडेंट चेतना सिन्हा के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए सिलाई मशीन दिया गया। आगे से हटा दो, आगे। इनर वेल क्लब है, ये महिलाओं का ही मंच है, महिलाएं इसमें सोशल सर्विस करती हैं और सारे जितनी ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जितने लोग हैं उन लोगों को, ज़्यादातर कोशिश हम लोगों का यही रहता है कि ज़रूरतमंद लोगों को की सेवा करें। पता चलता है जहाँ भी जिस तरह से भी कहीं से पता चलता है कि इन लोगों को ज़रूरत है, जिस कारण अभी इस COVID-19 के टाइम में ज़्यादातर लोगों का रोज़गार चला गया है। हमें पता चला कि इन महिलाओं को कुछ रोज़गार मशीन देने से इनको कुछ रोज़गार मिल सकता है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन एवं प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कैंडल जलाओ शिक्षा बचाओ कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्टेशन चौक फारबिसगंज के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में प्रखंड अध्यक्ष खुर्शीद खान ने कहा कि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद के आह्वान पर कैंडल जलाकर अभिभावकों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के चांदनी चौक 0 माइल मुख्य मार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क के वाहन चला रहे चालकों का चालान काटा गया। इस मौके पर अररिया एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर ने लोगों को मास्क पहनकर वाहन चलाने की नसीहत दी। कोरोना का
का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार हम लोग सरकार के द्वारा निर्देश हुआ कि, और ये डॉक्टरों की सलाह रही कि अगर हम लोग मास्क पहनेंगे तो इस संक्रमण से लगातार बचते रहेंगे, लेकिन ऐसा प्रायः देखा जा रहा है लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है। तो हम लोगों ने 2-3 दिन तक माइकिंग केस करा के जगह जगह पे जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया या जहां पे ज़्यादा लोगों का जम, तो वहां पे अनुरोध किया गया था, लगातार अनुरोध किया गया था कि आप लोग मास्क पहने, लेकिन कोई भी व्यक्ति, ऐसा देखा जा रहा है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। लगातार जो केस निकल रहा है मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है इसको सर्च करना बहुत ज़रूरी हो गया ताकि एक मैसेज जाए लोगों में कि नहीं, इसको लगाना आवश्यक है अपनी सुरक्षा के लिए। 3300 का आंकड़ा चला गया फिर भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं। सजग होंगे, बारी बारी से हम लोग इसी तरह कैंप करते रहेंगे तो एक समाज में ही मैसेज जाएगा। हरास करना मनसा नहीं है, मनसा यह है कि वो जागृत हो, जागरूक हो, और उसके लिए सबसे अच्छा स्कीम लगा कि हम लोग क्यों नहीं मेन सड़क पर ही आकर के ज्यादा से ज्यादा मैसेज जो है सो भेजने का काम। अररिया के सिमराहा थाना में कार्यरत एक महिला कर्मी का शव उनके निजी आवास पर फंदे से लटका बरामद किया गया है। वहीं इस मामले की सूचना अररिया एसपी हृदय कांत को दी गई, जिसके बाद एसपी महिला कांस्टेबल के निजी आवास पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या की गई है। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, हमने इसके लिए विधि विज्ञान की टीम बुला रखी है, वो अभी पहुंचने ही वाली है यहाँ पे, उनके द्वारा एक एक बिंदुओं की जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहना उचित पड़ेगा। बताया जा रहा कुछ दिनों से वो डिप्रेस में थी, ऐसी कुछ हाँ ऐसी बात हमें भी पता चल रही है, लेकिन अभी उसके परिजन भी नहीं आए हैं। मकान मालिक के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है, साथ में काम करने वाले जो लेडी कांस्टेबल थी उन लोगों ने बताया कि 1-2 दिन से थोड़े तनाव में चल रही थी, लेकिन कुछ विशेष कारण अभी तक पता नहीं चला है। पूर्व सांसद स्वर्गीय मधुकर सिंह की पुत्री सह जदयू नेत्री शालिनी मिश्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जदयू नेत्री शालिनी मिश्रा ने सुंदरापुर पंचायत का दौरा किया। इस दौरान गांव में हुए नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती रही, वही गांव वालों की समस्या पर सुधार करने का उन्होंने आश्वासन दिया। लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो प्यार है मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। और मैं सबों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मैं उम्र भर आप लोगों को उचित सम्मान और अपना प्यार दूंगी। समस्याएं हर जगह होती हैं, समस्याएं यहाँ भी हैं, इतना बड़ा राज्य है, समस्याएं होंगी, फिर भी जो बाढ़ का अनुदान है, जो बाढ़ पीड़ित घोषित हुआ था पंचायत, उसमें से मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग आधे लोगों को मिल चुका है, आधे और लोगों को मिलना बाकी है, जो 10 सितंबर तक का डेट है उसमें मिल जाएगा। फतुहा पुलिस अनुमंडल के दनियावा प्रखंड के तोप गांव में 9 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क को बनाने के लिए लगातार तीसरे दिन अनशन पर बैठे मोनू कुमार की हालत बिगड़ने लगी, फिर भी कोई स्थानीय प्रशासन उसकी सुद्धि लेने नहीं पहुंचे। बता दें कि बख्तियारपुर विधानसभा के पूर्व राजद विधायक अनिरुद्ध कुमार यादव और जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवनीत कुमार अनशनकारी मोनू कुमार और ग्रामीण से मुलाकात कर अनशन को समाप्त करने की अपील की, पर अनशन पर बैठे मोनू कुमार ने कहा कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक अनशन जारी रहेगा। बख्तियारपुर विधानसभा रणवीर रणविजय उर्फ लल्लू मुखिया जी के विरोध में इस सड़क को नहीं बनाने, 5 साल में विधायक रहने के बावजूद में भी एक सड़क नहीं बना कर दिए, जबकि सड़क का स्थिति इतना खराब है जो कि इस पर पैदल यात्री नहीं चल सकता है, और सवारी गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल यात्री नहीं चल सकता। आज महीनों 6 महीने से इस पर सवारी गाड़ी नहीं चलना बंद हो गया है, सवारी पब्लिक को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस विधायक को ही बदल दिया जाए, विधायक काम करने लगे। अब तो चुनाव आ रहा है, अब तो चुनाव आ रहा है, आपके हाथ में है ये। रोड मरम्मत होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, रोड में नहीं कि रोज अति दुर्घटना होती है,
अधिकतर दुर्घटना हो जाता है, मैंने आदमी जाता है लेकिन हम लौट के फिर आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई अथी नहीं रहता है। आप लोग आए हैं तो देखे कि अच्छा ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि ये क्षेत्र मेरा मेरा है, उनका हर बार आते हैं भाषण देते हैं कि अपने जो प्रत्याशी होते हैं उनको ये आश्वासन देते हैं कि ये आपका है, ये मेरा क्षेत्र है, आपको कोई हराएगा नहीं, तो क्या उनकी विश्वास टूटी क्या इस बार? इस बार विश्वास टूट गया। मैं अपने ओर से मोनू जी को पूरे गांव को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यह विधायक निष्क्रिय है, 5 साल रहने के उपरांत मेरे 5 साल में मैं विपक्ष में था, फिर भी 40 दनियामा में सड़क बना, जो कि आप लोग भी जानते हैं कहीं भी इस टाइम में एक सड़क भी नहीं मरम्मत हुआ, ये बहुत भी दुखद बात है। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत अनुबंध पर बहाल शिक्षकों ने कॉलेज गेट पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ धरना दिया। धरना दे रहे शिक्षकों की मांग थी कि आगामी 30 सितंबर को समाप्त हो रहे उनके अनुबंध का पुनः जारी किया जाए या फिर उनका समायोजन इन कॉलेजों में ही किया जाए। इनके जाने के बाद में वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, विभागीय स्तर से उनका दिशा निर्देश आएगा और जो दिशा निर्देश आएगा उसी अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था होगी। इनके जाने के बाद में जाते के साथ अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तो शिक्षण पठन पाठन पर असर पड़ेगा। हमें 3 सालों के लिए भेजा गया था और ये बिहार सरकार की ये शर्त में भेजी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि 3 साल बाद MOU साइन करके उसे अपने यहाँ रख लिया जाएगा, लेकिन आज हमारा 30 सितंबर को टर्म ख़त्म होने वाली है और इस दरमियान ना ही कोई केंद्र सरकार से ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है कि हमारा क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये हमारी सवाल हुई। बात आई बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है, बिहार में हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी 38 कॉलेज खोले हैं और यहाँ स्थिति ये है कि इस कॉलेज में अगर रेशियो माना जाए, अभी अगर टेक्यू को हटा दिया जाए, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ हैं उनको हटा दिया जाए तो 1.2 और 1.5 फैकल्टी पर कॉलेज में आएंगे। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक शराब कारोबारी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी लाल बाबू मुखिया को उसके बथान पर बने पूस के घर से 5 लीटर चुलाई देसी शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मोतिहारी भेजा गया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।